हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयल्स विद आमके। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक और क्यू कार्ड शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। इसमें जो आइडियाज़ होंगे वो कैबलरी, ईडियम, सब कुछ इजी होगा। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं बनाया है, सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी है। इसके जो फॉलोअप्स क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं कल लेकर आऊंगी, ठीक है। आज मैं आपके साथ क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट और स्पेशल इवेंट यू सेलिब्रेटेड। आपने क्या बताना है, एक इम्पॉर्टेंट या फिर कोई स्पेशल इवेंट जो आपने सेलिब्रेट किया हो, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जो आपके लिए स्पेशल था और आपने उसको सेलिब्रेट किया है, ठीक है। उसके बारे में आपको 2 मिनट्स तक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कौन से इवेंट की बात करें। डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। जस्ट वीडियो को एंड तक देखो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, तो ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं, वट इट वॉज। सो सबसे पहले हमें पूछा हुआ है कि वो सेलिब्रेशन कौन सा था, ठीक है। मीन्स वो बर्थडे पार्टी थी, वेडिंग थी किसी की, क्या था, ठीक है। अपने नेम बताना है इसमें बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा वेन एंड वेयर यू सेलिब्रेट। आपने कहाँ पर, ठीक है, और कब उसको सेलिब्रेट किया था वो आपने बताना है। हु वॉज विद यू, आपके साथ और कौन कौन था वो आपने बताना है, ठीक है। व्हाई इट वॉज स्पेशल, आपके लिए वो क्यों स्पेशल है, ठीक है, ये चीज़ आपने बतानी है। ये जो हमारे हो गए हैं सारे, ये है हमारे बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम जर्नल लाइन को देखते हैं कि हमने जर्नल लाइन में क्या बोला है। सो यहाँ पे मैंने बोला, सेलिब्रेशन प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल और इन एवरी पर्सन लाइफ। कि जो सेलिब्रेशन होता है वो हर एक पर्सन की लाइफ में पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करता है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि जो सेलिब्रेशन होता है वो हर एक पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इट इज़ एन आइडियल वे टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द नियर एंड डियर मंथ्स। मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये एक आइडियल वे है। आइडियल मतलब एक गुड वे है, ठीक है, टाइम स्पेंड करने का अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। नियर एंड डियर वंस मीन्स अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और आप कह सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ये सारा किस वे से पॉसिबल हो पाया है, सेलिब्रेशन की वजह से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, बाय विच ऑल सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंसेज आर स्टार्ट प्लंजिंग। जितनी भी तरह की प्रॉब्लम होती है वो सारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। प्लंजिंग होता है डिक्रीज, हिंड्रेंसेज मीन प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब तक मैंने क्या बोला कि सेलिब्रेशन ज़रूरी होता है हर एक पर्सन की लाइफ में। मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेलिब्रेशन की वजह से हम अपने नियर एंड डियर वंस के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और उस सेलिब्रेशन की वजह से जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है वो सारी धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेटरन टू ऑर्गेनाइज ईदर इवेंट और फेस्टिवल। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, वेटरन होता है एक्सपर्ट। सो मैंने बोला कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, ठीक है। बट हियर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट डे विच वॉज इम्पेरेटिव फॉर मी ऑइंग टू मल्टीफेरियस रीज़न। लेकिन यहाँ भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आर्टिकुलेट होता है एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उस दिन के बारे में जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इम्पेरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओइंग टू मल्टीफेरियस रीज़न। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि वो मेरे लिए क्यों स्पेशल था डे, ठीक है। इट्स नन अदर देन बर्थडे पार्टी ऑफ माई नेफ्यू। वो कौन सा दिन था जब मेरे नेफ्यू की बर्थडे पार्टी थी, ठीक है। अब तक की स्टोरी क्या है कि सेलिब्रेशन ज़रूरी होता है हर एक पर्सन की लाइफ में, ये अच्छा भी है, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसकी वजह से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई भी फंक्शन इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो दिन जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था, ठीक है। उस दिन था क्या, मेरे नेफ्यू का बर्थडे था, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्चुअली इट वॉज़ ए टाइम ऑफ लास्ट ईयर की बात है, वेन कोविड 19 जियो पार्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब कोविड 19 स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में। जियो पार्टी का मतलब होता है स्प्रेड होना, ठीक है, एंड वी वर स्टक इन द हाउस, और हम सभी लोग घर पर स्टक हो चुके थे, मीन फंस चुके थे। दैट वॉज एक्सट्रीमली हरकुलिन टास्क फॉर अस, वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हरकुलिन टास्क था। हरकुलिन टास्क का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क था, ठीक है। जस्ट ओनली बिकेज ऑफ वेदर पैंडमिक और लॉकडाउन फ्रस्ट्रेशन वी नीडेड सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। मैंने बोला लॉकडाउन की वजह से और पैंडमिक की वजह से हम सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और हमें कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, वो एक्टिविटीज़ जो कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है, जो एंटरटेनमेंट के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। सो आई डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई नेफ्यू बर्थडे पार्टी इन माई हाउस, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने नेफ्यू की बर्थडे पार्टी अपने घर पे सेलिब्रेट करूंगी, ठीक है। अब तक की स्टोरी क्लियर हुई आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोर ओवर ड्यूरिंग दिस आई वॉज नॉट एबल टू इन्वाइट माई किथ एंड किन अलॉन्ग माई कंपेनियंस एज वेल। इस टाइम के दौरान मैं अपने किथ एंड किन को भी नहीं इनवाइट कर पाई और अपने फ्रेंड्स को भी नहीं इनवाइट कर पाई। किथ एंड किन होती हैं हमारे रिलेटिव्स और कंपेनियंस होते हैं हमारे फ्रेंड्स, इन दोनों को मैं इनवाइट नहीं कर पाई बिकॉज लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि लॉकडाउन लगाया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी जस्ट सेलिब्रेटेड इट विद आर फैमिली मेम्बर, सो हमने जस्ट इसको सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। Furthermore, I did everything whatever possible for me in order to make it special. So, मैंने क्या बोला कि जो चीज़ मेरे से पॉसिबल हो पाई इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए, मैंने वो सब कुछ ट्राई किया। As my nephew reside very close to my heart, क्योंकि मेरा जो nephew है वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन है, ठीक है। क्वेश्चन था ना आपके लिए स्पेशल क्यों है, तो मैंने रीज़न दिया कि जो मेरा नेफ्यू है ना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि मैंने उस दिन को एक स्पेशल बनाया, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया मैंने वो सब कुछ ट्राई किया, ठीक है। इवन इट वॉज हिज फर्स्ट बर्थडे, और उसका वो फर्स्ट बर्थडे था, किसका, मेरे नेफ्यू का फर्स्ट बर्थडे था। मैंने क्या बोला, बाय हुक और बाय क्रूक आई मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ मैंने ट्राई किया, जितना मेरे से हो पाया मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। इवेंचुअली इट वॉज ओनली द इवेंट विच वॉज कंडक्टेड बाई मी, सो यही एक इवेंट था जो मेरे द्वारा कंडक्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आना है, आई आना है, ठीक है गाइस, सॉरी फॉर दिस। सो अब तक देखो मैंने स्टोरी में क्या बोला, क्वेश्चन था हमें आपने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट बताना है जो आपने सेलिब्रेट किया, वो इवेंट क्या है, कब सेलिब्रेट किया, कहाँ पे किया, किसके साथ किया और वो स्पेशल क्यों था। सबसे पहले मैंने जर्नल लाइन बना दी कि सेलिब्रेशन हर एक पर्सन की लाइफ में एक ज़रूरी रोल प्ले करता है, ठीक है। सेलिब्रेशन की वजह से हम अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और सेलिब्रेशन की वजह से हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में, या फिर कोई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ करने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, वेटरन होता है एक्सपर्ट, लेकिन यहाँ पे मैं उस दिन के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे था। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि वो क्यों मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल था, क्यों था, क्योंकि वो बर्थडे पार्टी थी मेरे नेफ्यू की, ठीक है। फिर मैंने टाइम बताया कि वो कोरोना पेंडेमिक की बात है, जब वो कोरोना पेंडेमिक स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में और हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे, ये तब की बात है, और घर पे स्टक होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हरकुलिन टास्क है, और कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे, सो हमें कुछ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत थी। सो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि हम बर्थडे पार्टी अपने नेफ्यू की हमारे घर पे ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ठीक है। इस बर्थडे पार्टी के दौरान मैंने कोई भी रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाया था, क्योंकि लॉकडाउन लगाया था गवर्नमेंट ने, सो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, तो मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, जस्ट अपनी फैमिली के साथ ही हमने इसको सेलिब्रेट किया। फिर लास्टली मैंने बोला कि जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया मैंने सब कुछ इसके लिए ट्राई किया,
इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैंने सब कुछ ट्राई किया, क्योंकि मेरा जो नेफ्यू है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सो इसी वजह से जो मेरे से पॉसिबल हो पाया मैंने सब कुछ किया, अच्छे से मैनेज करने की सब कुछ कोशिश की, ठीक है। और यही एक इवेंट था जो मेरे द्वारा कंडक्ट किया गया था, ठीक है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके जो फॉलोअप्स क्वेश्चन है ना वो मैं कल अपलोड करूँगी। एक्चुअली ओइंग टू हैक्टिक स्केड्यूल मैं अपलोड नहीं कर पाई आज, सो मैं कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज ही करना, कॉल नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस जो इनरोल होना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इनरोल होएं, और जिन्होंने नहीं इनरोल होना वो इसको इग्नोर करें और जस्ट सपोर्ट करें और शेयर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल।